हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको डिज़ाइनर नेक दिखाऊंगी। जैसे हमने स्लीव्स बनानी है तो उसमें थोड़ी सी हम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। कोई भी ड्रॉप शेप है, ये बैक नेक पे भी बनती हैं और स्लीव्स पे भी बनती हैं। जैसे हम स्लीव्स पे बनाते हैं तो ये कट ऐसे बनते हैं, तो आज हम इसे ही बनाएंगे। इसके लिए मुझे चाहिए ये बुकरम है, जो बुकरम के पीसेस हमें, बुकरम हमारी नेक में से भी स्टिच हम कटिंग करते हैं तो बच जाता है छोटा पीस, तो हम उसी में से ले लेंगे। ये शेप चाहे आप कोई भी बना सकते हो, चाहे ड्रॉप शेप बना सकते हो, चाहे स्क्वायर में भी बना सकते हैं। ये मैंने हाफ एन इंच 1 इंच की शेप ली है। ये मैंने 1 इंच की शेप सेंटर में से ली है। अब इसे मैं ट्रायंगल बनाऊंगी दोनों साइड से, 1.5 इधर से, 1.5 ही मैं इधर से शेप दूंगी। तो ये शेप देने के बाद 1/2 इंच की हम यहाँ से भी सेम शेप दे देंगे। अब ये हमने पहले आउटर कटिंग करनी है, फिर सेंटर की कटिंग करनी है। ये आपने पॉइंट्स का बिल्कुल ध्यान रखना है कि पॉइंट्स की शेप खराब ना हो, तो इसकी ये शेप बनेगी। ये आप स्लीव्स पे चाहे तो ये डबल, जैसे सिंगल एक ये बनी है इसके ऊपर और भी बना के ऐसे डिज़ाइनिंग कर सकते हो, वैसे सिंगल भी हम लगा सकते हैं। मैं आपको सिंगल दिखाऊंगी हमने क्या करना है। अब ये जो है, मैं इससे बैक वाली साइड पे ऐसे हम सेट कर लेंगे। कि सेटिंग करने के बाद यहाँ पे हमने इसी के ऊपर सेंटर सेंटर में हमने स्टिचिंग लाइन लगानी है। अगर आपकी बुकरम पेस्टिंग वाली है तो आप इसे प्रेस से भी सेटिंग कर सकते हो, अदरवाइज हम ऊपर स्टिचिंग लाइन देंगे। और इसके बिल्कुल साइड पे हम जो फैब्रिक है उसकी कटिंग करेंगे। ये थोड़ा छोटा है, इसे पूरा प्रॉपर फैब्रिक कटिंग करेंगे। ये फैब्रिक कटिंग करने के बाद मैं स्टिचिंग लाइन दूंगी इसके ऊपर। ये वाली स्टिचिंग लाइन जो हम दे रहे हैं ये सिर्फ सेटिंग के लिए है कि हमने इसे सेट कैसे रखना है। ये बुकरम की सेटिंग करने के बाद अब जो हमारे पास ये वाला फैब्रिक बचा है, हम इसे फोल्ड करके स्टिचिंग लाइन देंगे। 4-साइडेड पूरी स्टिचिंग लाइन देनी है। और ये कॉर्नर से ऐसे हम टर्न कर लेंगे इसे। ताकि ये प्रॉपर फिनिश आए। फोर साइडेड स्टिचिंग देने के बाद जो हमारे पास ये वेस्ट फैब्रिक बचा है उसे हम कटिंग कर लेंगे। ये प्रॉपर फिनिश देने के बाद हम इसे फैब्रिक पे सेट करेंगे। ये जो फैब्रिक की फ्रंट साइड हमने लेनी है, जैसे कोई भी आपने स्लीव्स कटिंग करनी है या नेक लाइन के नेक बनाने के बाद ये सेट करना है तो आप बिल्कुल उसके ठीक नीचे सेट करेंगे ऐसे। और ये कॉर्नर्स पे अब आपने बुकरम के ऊपर स्टिचिंग लाइन नहीं देनी, बिल्कुल इसके साथ साथ स्टिचिंग लाइन देनी है।
कि जब भी आपने कॉर्नर्स सेट करने हैं तो कॉर्नर्स पे आपने ये बिल्कुल ऐसे ही नीडल लेके आनी है और बिल्कुल कॉर्नर्स में ऐसे नीचे रख के बीच में फिर आपने स्टिचिंग लाइन देनी है और बुकरम बीच में नहीं आएगी। ये स्टिचिंग लाइन देने के बाद इसका हल्का सा मार्जिन रख के आप कटिंग कर दोगे। ये सेंटर कटिंग करने के बाद हम कॉर्नर्स पे कट लगा देंगे छोटे छोटे। कट्स लगाने के बाद हम इसे टर्न आउट करेंगे। इसको पूरा ही हमने अंदर की तरफ टर्न आउट कर देना है। ये देखिए टर्न आउट करने के बाद जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ एक कट और चाहिए तो हम हल्का सा कट और लगा सकते हैं अंदर की तरफ। और बाकी आप प्रेस कर देंगे। ये ऐसे ही हम पूरी डिज़ाइनिंग हम अपनी स्लीव्स पे, नेक की बैक पे डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। शेप आप कोई भी बना सकते हो, जो आपको अच्छी लगे वो शेप आप बना सकते हो। ये वाली ड्रॉप शेप भी बनानी बहुत इजी है, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि हमने कैसे बनानी है। ये आप ड्रॉप शेप बनाने के लिए जितना आपको आइडिया ले लो। ये मैं 3.5 इंच का ले रही हूँ लेंथ इसकी, तो इसमें हम हल्की सी शेप नीचे की तरफ से शुरू करेंगे ड्रॉप शेप बनानी और इसे पॉइंट तक मिला देंगे। अगर पॉइंट से बढ़कर भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है कि हम थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। और फिर इसी के बाद सेम वैसे ही 0.5 इंच की एक्स्ट्रा, वो जैसे नेक लाइन में भी हम कटिंग करते हैं 1 इंच की, इनमें ये छोटे हैं तो 0.5 इंच की सफिशेंट होती है। तो ये मैं कटिंग करके दिखाऊंगी। सबसे पहले हमने करनी आउटर है। देखिए साइज आप पे डिपेंड करता है, पहले मैंने नॉर्मल साइज में बनाई है, अब मैंने बड़े साइज में 3.5 इंचेस में बनाई है। तो आप कोई भी शेप कटिंग करके बना सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।